हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज पार्ट 36 ऑफ फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइस, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम फॉक्स प्रो में कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हम इस फॉक्स प्रो में अरिथमेटिकल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलेशन, ये सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके चला है सारे ऑपरेशंस के लिए। जैसे अगर हमें एडिशन करना होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर उस वेरिएबल्स के बीच में भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ के बीच में अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जैसे अगर हमें एडिशन करना है तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देन 10 प्लस 5, यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, देन वो उसका एडिशन करेगा और रिजल्ट यहाँ पर 15 डिस्प्ले कर देगा। इसी प्रकार अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन मार्क 10 माइनस 5, तो वो 10 में से 5 माइनस करके रिजल्ट 5 को डिस्प्ले कराएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलेशन ये भी प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि वो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो उसका मॉड्यूलेशन कहलाता है, तो वो उस चीज़ को डिस्प्ले करेगा। सो गाइस, अगर हम देखते हैं कि इन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ फॉक्स प्रो में कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉक्स प्रो को ओपन करते हैं। इसके बाद अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ के बीच अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, देन जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 10 प्लस 5 करना है, अर्थमेटिकल में एडिशन परफॉर्म करना है तो लेकिन ये क्वेश्चन मार्क 10 प्लस 5, ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें 15 वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है देन माइनस लिखकर इंटर करेंगे तो हमें 5 आउटपुट मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखकर इंटर करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन लगा के इंटर करेंगे तो डिवीजन मिल जाएगा। मॉड करना है तो मॉड्यूलेशन के लिए परसेंटेज का साइन लगा के इंटर करेंगे तो हमें उसका मॉड्यूलेशन निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें किसी वेरिएबल में वैल्यूज़ को स्टोर करा के उन वेरिएबल्स के बीच अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टोर 10 टू ए, देन स्टोर 5 टू बी, देन अब हमें ए और बी इन दोनों के बीच अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क ए प्लस बी, ये लिखकर इंटर करेंगे तो हमें 15 वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी लिखकर इंटर करेंगे तो 5 मिल जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन लिखकर इंटर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 50 वैल्यू मिल जाएगा। डिवाइड करने के लिए डिवाइड का सिंबल लगा के इंटर करेंगे तो डिवीजन मिल जाएगा, और मॉड करने के लिए मॉड का सिंबल के लिए परसेंटेज लगा के इंटर करेंगे तो मॉड्यूलेशन मिल जाएगा। सो गाइस, आपने देखा कि हम कैसे वेरिएबल्स का यूज़ करके या फिर डायरेक्ट वैल्यूज दे के फॉक्स प्रो के अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस और कमांड्स का यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।